अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बीफ कलेजी की रेसिपी शेयर करूंगी। प्याज 4 से 5 डलियाँ, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, सूखी हुई मेथी 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, दही लेंगे 1 प्याली, कलेजी 1.5 पाव, ऑयल लेंगे 1/2 कप। ऑयल गरम करने के बाद इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। प्याज देखें हमारी फ्राई हो गई, इसको हमने निकाल के रख लिया है। अब हम तेल में कलेजी फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। ये देखें ये फ्राई हो गया। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे जो हमने निकाल के रखे हुए थे। मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों को हमें अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि इसमें से अच्छी से भुनाई होगी तो मते का बनेगा सालन। ये देखें अच्छी तरह से हमने भून लिया है। तेल अलग हो जाए जब तक हम भुनाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब जो हमने फ्राई करी थी कलेजी, अब हम वो डाल देंगे। मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मज़ीद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो यकीन करें बहुत मज़ेदार कलेजी बनती है ये। अच्छी तरह इसको देखें भून लेंगे। और आप पहले फ्राई कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी गल जाती है कलेजी। ये अच्छे से भुन चुकी है। इसमें अब हम दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद भी इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। दही का पानी खुश करेंगे। अब इसमें हमने पानी ऐड कर दिया और कलेजी गल जाने तक मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे पीस के। मिक्स कर लेंगे प्याज को। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब इसको दम के लिए छोड़ देंगे। ये देखें मज़ेदार कलेजी बन के रेडी है। मिलते हैं एक और नए मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए